अब जब भी देखो बंदा सामने होता है ना भाई, तो हम इस तरीके से मर जाते हैं। बट ये एक गलत तरीका है। मैं तुम लोगों को सही तरीके बताता हूँ कि इन बंदों को कैसे मारना है। सबसे पहले आना है, अब जैसे बंदा देखे फायर करके भगा दो ताकि वो कवर में जाए। उसके बाद आपको यहां से जंप करना है एंड इस डिब्बे पे, डिब्बे पे नहीं भी बैठोगे तो भी आप वहां से मार दोगे, लेकिन एनिमी जब तक पता लगाएगा कि आपको कहां से पड़ी है वो भाई मर चुका होगा। चलते हैं भाई दूसरी ट्रिक की तरफ। देखो यहां इस वाले ट्रिक में आपको बस इस बॉक्स में आके बैठना है। अब जैसे ही एनिमी आएगा, देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूं, एनिमी सामने से आएगा तो बस आपको उसी चीज का फायदा उठाना है। तो देखो अभी कैसे मारते हैं इसको, ठीक है। मैं आऊंगा, यहां पे जंप किया मैंने, बैठा, देखो बिल्कुल एग्जैक्ट मेरी पोजीशन, ये आएगा एनिमी और बड़े ही आराम से एनिमी की कॉपी चेक कर दी। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, लेकिन उससे पहले एक लाइक ठोक देना सभी लोग, क्योंकि ये ट्रिक्स भाई बहुत ही ओपी मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली बनाई है। तो चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। अब देखो नेक्स्ट वाली ट्रिक में क्या करना है, एनिमी वहां रहता है और यहां से ज्यादातर हम लोग मर ही जाते हैं। अब क्या करना है देखो, पहले तो आपको ये गलती नहीं करनी है जो कि अभी मैंने यहां पर करी। अब हमें करना क्या है, कैसे मारना है इसको, देखो सबसे पहले आपको आना है इन डिब्बों पे और देखो एनिमी अभी वहीं पे है। और ये देखो भाई, मतलब वो सोच ही नहीं सकता कि आप वहां भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको एक चीज याद रखनी है, इन ट्रिक्स में आपको बार बार सेम ट्रिक यूज नहीं करनी है, वरना बंदे को पता चल जाएगा। चलते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, जिसमें भाई साहब एनिमी का गेम बजाएंगे हम लोग। अब देखो अक्सर ऐसे क्या होता है, हम जब भी आते हैं तो बंदा हमें मार ही देता है, लेकिन ये गलत तरीका है। सही तरीका क्या है, डॉज करेंगे और यहां इसके बीच से एकदम मारेंगे। भाई ये ट्रिक तो बहुत ही ओपी है, फॉलो कर देना सभी लोग गाइस, मेरे नाम के ऊपर एक फॉलो का बटन है। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। अब देखो कभी कभी क्या होता है, हमारे स्कोप नहीं खुलता है किसी भी तरीके से, बंदा अगर वहां उस सिचुएशन में होता है तो ये मार जाता है। तो हमें देखो क्या करना है इस वाली ट्रिक के लिए करना है, सबसे पहले आएंगे हम लोग यहां पर और देखिए बंदा भी वहीं से पीक करेगा, तो आपको यह ऊपर आना है और भाई यहां उसका जो हेड दिखेगा ना तुम लोगों को, बस हेड फोड़ देना उसका। अब इस वाली ट्रिक में हो सकता है कि आप एनिमी को मार ना पाओ, लेकिन लिट जरूर कर दो, क्योंकि आपको पता है हेड मारने से बहुत हेल जाती है। अब चलते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। देखो इस ट्रिक में हमें क्या करना होता है, ये आप लोग कंटेनर देख रहे हैं, बस इनपे से जंप करके मारना होता है। देखो इस तरीके से, तो बस आपको ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। एक बार जैसे ही आपका एम यहाँ पे सेट हो जाएगा ना, तो भाई आप ऐसे जंप कर करके मारोगे ना बंदों को कि उनको ये कहेंगे भाई हैकर है क्या बंदा। खैर चलते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। अब देखो इस वाली ट्रिक में क्या होता है कि बंदे ना सामने एम लेके बैठे रहते हैं, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस पे चढ़ना है, देखो यहां से, इसके बाद यहां आएंगे एंड ये देखिए, बस इस ट्रिक में ये याद रखना कि आपको बहुत जल्दी एम करना है बंदे पे, वरना वो अगर आपको एक बार स्पॉट कर लेगा तो वो आपको मार देगा। चलते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ और भाई ये ट्रिक बहुत ही ओपी होने वाली है। तो यहां पर तुम लोगों को दिख रहा है बंदा बीच में से, जी हाँ गाइस आपको इसी चीज का फायदा उठाना है। देखो भाई इस वाली ट्रिक के लिए तो यार 50,000 लाइक एंड प्लीज मेरे नाम के ऊपर एक फॉलो का बटन है, दबा दो गाइस 5,000 फॉलोवर का हमारा, 500 के फॉलोवर का टारगेट, और प्लीज यार कंप्लीट करा देना। देखो तुम लोगों के लिए इतनी ऑसम वीडियोस बनाता हूं मैं, तो शेयर करना तो बनता है। एंड हाँ, कमेंट करके बताओ कि आपको ऐसी ट्रिक कौन सी लगी कि जो हाँ यार बहुत ज्यादा यूजफुल है या जो आपको बहुत ज्यादा सरप्राइज करती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर देना, फॉलो कर देना, शेयर जरूर करना, मुझे अपने दोस्तों को जरूर बताओ ये ट्रिक्स भी बंदूकबाज भाई ने डाली।